नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गहलोत सरकार की ओर से विधायकों के लिए शुरू की गई अनूठी पहल की। इसमें प्रदेश के विधायकों के लिए जयपुर में अल्ट्रा मॉडर्न आशियाने बनाए जा रहे हैं। 8 मंजिला इमारतों वाले इस प्रोजेक्ट में 60 लग्जरी फ्लैट्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में खास बात यह है कि इसमें सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, साथ ही फ्लैट भी बढ़िया क्वालिटी के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राज्य में कोरोना काल में विकास की कई योजनाएं लगातार अनलॉक हो रही हैं। इससे विकास का पहिया लगातार रफ्तार पकड़ने लगा है। तो आइए शुरू करते हैं विकास समाचार। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने लगातार मॉनिटरिंग की है। इसके लिए गहलोत ने जिला प्रशासन को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने खुद आपदा प्रबंधन पर अपडेट दिया है और राज्य सरकार की ओर से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिला प्रभारी मंत्री और विधायकों से सीएम गहलोत लगातार संपर्क में बने रहे। राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के मुख्य मंडी प्रांगण के विस्तार का निर्णय लिया है। ऐसे में मंडी प्रांगण के पास 2.11 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने भूमि अर्जन के प्रस्ताव का अनुमोदन और अधिसूचना के प्रकाशन की स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार मंडी प्रांगण के विस्तार के लिए 5 भूखंडों की आवंटित की जानी है। इसके लिए संभावित मुआवजा राशि 5,42,00,000 रुपए होगी। गहलोत के इस निर्णय से कृषि उपज मंडी में फसलों की खरीद और बेचने के लिए आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा और किसानों को और व्यापारियों को मंडी प्रांगण में अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। नागौर जिले की 3 तहसीलों नागौर, भूंडवा और खींवसर का पुनर्गठन करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। सीएम गहलोत ने मुंडवा तहसील के देहरू और जोरावरपुर पटवार मंडल को खींवसर तहसील में, खींवसर तहसील के खड़काली पटवार मंडल को नागौर तहसील में शामिल करने की स्वीकृति दी है। राजस्थान के जैसलमेर में सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास और पहल रंग लाई है। इसको लेकर उप महानिदेशक जीएसआई ने राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के अनुसार जैसलमेर में 4 जगहों पर सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने 22 जुलाई को इसको लेकर अहम बैठक की थी और केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वीसी करके बैठक की। जैसलमेर के इन ब्लॉकों में 690 मिलियन टन से अधिक के एसएमएस ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की जानकारी मिली थी। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज की है। अब जीएसआई से प्राप्त G2 और G3 की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से ऑक्शन के लिए ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रदेश में खनिज को लेकर एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जीआईएस को बांसवाड़ा के घाटोल में मैग्नीज के भंडार मिले हैं। इसमें अनुमान है कि यहां से 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2,12,000 टन मैग्नीज के भंडार मौजूद हैं। दूसरी ओर नागौर गंगानगर बेसिन के सतीपुरा, भारूसरी और लखासर में 2400 मिलियन टन पोटाश के भंडार मिले हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों से सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पानी सप्लाई के प्रयास रंग लाए हैं। शहर में पानी सप्लाई को लेकर 50 करोड़ रुपए की लागत से योजना शुरू की गई है। यह कार्य 2022 मार्च तक पूरा होगा। मंत्री धारीवाल ने लक्ष्मणगढ़ में पानी की निकासी की योजना के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बीकानेर की आवासीय योजना आनंदम ग्रीन्स का शिलान्यास मंत्री धारीवाल ने किया, साथ ही शहर में विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही।
धारीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में यहां की मुख्य समस्याओं के समाधान करने का टारगेट तय किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के नारी दुर्गापुरा पिपराली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित मुख्य द्वार और कमरों का लोकार्पण किया। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि गरीब और असहाय बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, जो कि राज्य सरकार पूरा कर रही है। राज्य में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, इस कारण राज्य में 4,45,000 नए बच्चे सरकारी स्कूलों से जुड़े हैं। खेलों के विकास को लेकर प्रदेश सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है और बीते 2.5 साल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने ग्रामीण खेलों के लिए 30 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार 14 नवंबर से ग्रामीण खेलों का महाकुंभ शुरू करने जा रही है। इसमें करीब 20 लाख खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार सुधार और मॉनिटरिंग में लगी है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि निजी अस्पतालों की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए रिड्रेसल सिस्टम बनाएंगे, इससे लोगों को हो रही समस्याएं दूर होंगी और उनके इलाज में कोई परेशानी नहीं होगी। हाड़ौती अंचल और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने वाली है। कोटा प्रदेश का तीसरा शहर होगा जहां के मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अभी जयपुर जोधपुर में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। बीकानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल के नवनिर्मित वार्ड का उद्घाटन किया गया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के प्रयास से यह विशेष वार्ड शहर के भामाशाह की ओर से बनाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते हॉस्पिटल को विशेष रूप से शहर के लोगों के लिए मंत्री कल्ला के प्रयास से तैयार किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल के प्रयास और चेयरमैन शांति धारीवाल की अध्यक्षता में नए आवास बनाने का फैसला लिया गया है। इस कड़ी में जयपुर की प्रतिष्ठित आवासीय योजना प्रताप नगर के सेक्टर 8 और अलवर के भिवाड़ी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। यहां पर 2,558 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। साथ ही राजधानी में बनाए जा रहे कोचिंग हब के पास स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में 300 फ्लैट बनाने का निर्णय लिया गया है। अलवर के बानसूर सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। विधायक शकुंतला रावत की अभिशंसा की पहल के चलते बानसूर मेडिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना हुआ है। यहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल विभाग पहले से ही अलर्ट है। इसी के साथ हरसौरा सीएचसी को भी मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे प्रदेश के विधायकों के लिए बन रहे आधुनिक आशियानों में क्या क्या होगा खास।